वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के दो पार्ट्स हैं, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गैरबेज, सेकंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार। दोनों ही पार्ट्स बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, अनीश जंग के द्वारा लिखित। आज की इस वीडियो में हम समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गैरबेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट्स को सीखेंगे, रटेंगे नहीं। अगर आपने लॉस स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गैरबेज वीडियो नहीं देखी है तो बेटर है पहले आप वह वीडियो जरूर देख लें, समरी को समझ लें, इससे आपको इन क्वेश्चंस को समझना इजी हो जाएगा। वन मोर टाइम आई एम रिमाइंडिंग, सीखेंगे रटेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट। स्वेंस कहते हैं नो पेंस नो गेंस, तो पहले पेन लेना, आई मीन क्वेश्चंस को सेल्फ अटेम्प्ट करने के एफर्ट्स करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तब आप आंसर को चेक करना। आई होप आप मेरी बात को मानेंगे, सो डू योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गैरबेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहेब कूड़े करकट के ढेर में क्या सर्च करता है, वह कहाँ से है और वह कहाँ से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। साहिब के माता पिता ढाका को छोड़कर इंडिया क्यों आ गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड गैरबेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू दियर पेरेंट्स। सीमापुरी के बच्चों के लिए गैरबेज का, कूड़े करकट का क्या अर्थ है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो हमारी ऑथर है वो स्लीपर और जूते ना पहनने वाले बच्चों के लिए क्या एक्सप्लेनेशन करती हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब द आयरनी इन द साहिब्स नेम। जो हमारे मेन कैरेक्टर साहेब हैं उसके जो नाम है उसके नाम में क्या अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ आयरनी का मीन्स है अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड, हिंदी में व्यंग्य, वो कैसे डिस्क्राइब करती हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट रेज आर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस इन आर सोसाइटी एंड टेंड टू रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर्स। समाज में हम में से अधिकांश लोग जो अन्याय है उसके प्रति अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और एक मूक दर्शक की भांति बने बैठे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ वाज साहेब्स लाइफ एट द टी स्टॉल। साहेब का जो जीवन है अब चाय की जो स्टॉल है, दुकान है, उस पर कैसा है, या इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करते हुए खुश है, एक्सप्लेन करना है। ऑथर के अनुसार रैग पिकर्स की पहचान से ज़्यादा खाना उनके जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साहेब के लिए छेद वाले जूते होना भी एक सपने के पूरे होने जैसा है, एक्सप्लेन करें। साहेब आलम के उन सपनों को बताइए जो पूरे ना हो सके। नाउ द टाइम ऑफ लर्न क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, सीमापुरी में रहने वाले साहेब आलम जैसे लोगों की लाइफ और उनकी एक्टिविटीज़ को ब्रीफ करना है, या छोटे बच्चों के लिए एक पैकेट में लिपटा हुआ चमत्कार और बड़ों के लिए जीवन जीने का साधन।
तो जो सीमापुरी में लोग रहते हैं, जो रैग पिकर्स हैं, वो कैसा जीवन जीते हैं। सो बचा पार्टी, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर को समरी की हेल्प से सेल्फ राइट करना है, एंड आई होप यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करके कंफर्म कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अर्ली बर्ड्स क्लास फॉर इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do your best.